साइयां मार सके न कोई। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं सूपी प्रखंड के नजदीक मोहनी गुमटी के समीप की है। यहाँ पर बाल बाल आज बच चुका है ड्राइवर और खलासी का जान। आज ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण है। मैं चाहूँगा कैमरामैन कैम दिखाएंगे, ग्रामीण का तस्वीरें दिखाएंगे और उसके बाद इस ट्रक का तस्वीरें भी दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से पलटा हुआ है। और यहाँ पर जो हालात है वो बार बार मैं यही कहना चाहूँगा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज फिर से दो लोगों की मौत हो जाती है। सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, समझे कि नहीं। यहाँ रोड जितना चौड़ा होना चाहिए, पुलिस स्टेशन है, समझे कि नहीं, मतलब कि बैरियर है, यहाँ घुमाव है, यहाँ पे रोड और ज्यादा चौड़ा होना चाहिए। क्या चौड़ाई आपके नजर में यहाँ पर? ये तो 8 फीट, 8 से 10 फीट चौड़ाई है और गाड़ी 15 फीट का है, समझे कि नहीं। इसमें कैसे रोड गाड़ी पास होगा? यहाँ तो मतलब कि जो नेता लोग है, सरकार है, प्रशासन है, उसका बहुत बड़ा लापरवाही है। इसमें अगर कोई काम करता रहता नीचे मजदूर, उसका तो जान जा सकता था ना। तो यहाँ गरीब का कोई मतलब कि देखने वाला नहीं है, यहाँ मतलब कि लूट हो रहा है, समझे कि नहीं। नीतीश बाबू के सरकार में लूट हो रहा है, समझे। नीतीश और तेजस्वी मिल के मतलब कि लूट कर रहे हैं। जो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गरीब को एकदम मतलब कि ये लोग नीच समझ रहे हैं, पापी समझ रहे हैं कुछ, मतलब कि गरीब के हक में। आज ये ड्राइवर गरीब है, एक पलटी मारा है, आज इसका जान जाता, इनका इनका बच्चा भी कहाँ जाता है? नीतीश बाबू इनको देते नहीं देते कुछ? बादल के जैसे गरज रहे हैं यहाँ पर जो ग्रामीण है, क्योंकि रियल जो होती है कहीं छुपाई नहीं जा सकती है। यहाँ के मेन स्थिति जो खराब है, यहाँ की रोड की चौड़ाई कम देखी जा रही है, जिसके कारण से यहाँ पे कई बार गाड़ी पलट चुकी है। और बिहार सरकार, आपके पास जो भी आपके नीचे अधिकारी काम करने वाले हैं, सारे लूट खसोट में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं नीतीश बाबू से? आप नीतीश बाबू से यही कहना चाहते हैं कि रोड पे ध्यान दे, समझे कि नहीं, कि ऐसा घटना ना हो। रोड पे ध्यान दे कि ऐसा घटना दोबारा ना हो। अच्छा, हमारे साथ एक और भी ग्रामीण जुड़ रहे हैं, इसे मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ की रोड की स्थिति कैसा लग रहा है? ये जो रोड है ना, बहुत डेंजर जोन से पड़ा जी। इस जगह जो है चौड़ीकरण सबसे आवश्यकता है। यहाँ हमेशा दुर्घटना बनी रहती है और देखिए अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं दुर्घटना हो गई। और मैं आग्रह करूंगा सरकार से, यहाँ के बल्ले पदाधिकारी सब यहाँ के रोड को चौड़ीकरण करे और घटना जो घट रही है उसके प्रसाद की तरफ ध्यान। क्या नाम बताया? कहाँ घर हुआ आपका? बिहार से। और यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? आते रहे सतपुरा से। कहाँ जाना था आपको? ये कितने बजे घटना हुआ है? 4 बजे। 4 बजे सुबह में। इसमें क्या है ट्रक में लोडिंग? पत्थर लोडिंग की है। यहाँ पर आपके कितने ग्राउंड है? ग्राउंड हम देखे हैं, ज़्यादा लेने से हम ये देख रहे हैं।